ओके, तो हम कर रहे थे सीओपीडी। तो सीओपीडी में हम देख रहे थे कि उसकी गाइडलाइंस क्या। तो गाइडलाइंस में हम देख रहे थे कि उसका ग्लोबल इनिशिएट्स फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन लंग डिजीज गोल्ड गाइडलाइन, मैंने आपको बताई कि एक गाइडलाइन है जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है फॉर दी फॉर नोइंग अबाउट दी गाइडलाइंस, क्या उसकी डायग्नोसिस कैसे करनी है, उसकी उसकी डिफरेंशिएशन कैसे करनी है, उसकी क्या फार्माकोथेरेपी होगी। तो वो सारी की सारी डिटेल्स जो है वो गोल्ड गाइडलाइंस में अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैंने गोल्ड गाइडलाइन खोली हुई है सीओपीडी की। तो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, ये गाइडलाइन है बाय पॉकेट गाइडलाइन है सीओपीडी डायग्नोसिस। उसकी डायग्नोसिस कैसे करनी है, स्पेक्ट्रोमेट्री, चेस्ट एक्सरे और डिफरेंट जो डिफरेंट टेस्ट हैं जो कि यूज होंगे, उसकी मैनेजमेंट करनी है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, उसका फार्माकोथेरेपी प्लान क्या होगा, उसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है। तो ये सारी गाइडलाइंस इसमें इसमें बहुत डिटेल में बताई हुई है। तो इस गाइडलाइन में देख लें, सीओपीडी का इंट्रोडक्शन बताया हुआ है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है, इसके की पॉइंट्स में बताए हुए हैं कि हमने इसमें इसको गाइडलाइन में क्या क्या पढ़ना है। उसकी एक एक तरह की ना की पॉइंट्स में एक पॉइंट पॉइंट आउट किया हुआ है कि ये जो सेक्शन है जिसमें बताएंगे व्हाट आर द क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज, तो वो एक पॉइंट में उन्होंने ये बताया व्हाट आर द कोज, तो उन्होंने एक लाइन में की पॉइंट्स में उसके कोजेस बताए हुए। तो शायद ये 28 पेजेस की ये 32 पेजेस की ये गाइडलाइन है। तो शायद ये मैं आपको आज के लेक्चर में ना बताऊँ, बस मैं इसके की पॉइंट्स आपको बताऊंगी। व्हाट इज द क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज की डेफिनेशन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सीओपीडी, डायग्नोसिस क्या है, की इंडिकेटर्स क्या है सीओपीडी एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करनी है उसको एम्फिसीमा और डिफरेंट एस्थमा वगैरह से, असेसमेंट ऑफ द सीओपीडी, क्लासिफिकेशन ऑफ द सिवियरिटी, सिवियरिटी के बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन ऑफ द एयर फ्लो लिमिटेशन इन द सीओपीडी क्या है, कोमोबिड असेसमेंट ऑफ द सीओपीडी क्या है, थेरेपेटिक ऑप्शन में उसकी फॉर्मुलेशन एंड टिपिकल डोजेस क्या है, हमने इनहेलर यूज करना है, हमने आईवी यूज करना है, हमने मीटर डोज इनहेलेशन यूज करना है या हमने ओरल डोज यूज करनी है, टिपिकल डोजेस ऑफ सीओपीडी मेडिकेशन अगर हम कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं तो दोनों की क्या कॉन्सेंट्रेशन होगी, क्या डोजेस होंगी, क्या फ्रिक्वेंसी होगी, मैनेजमेंट ऑफ स्टेबल सीओपीडी, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी क्या होगी एंड फार्माकोलॉजिकल थेरेपी ऑफ स्टेबल सीओपीडी क्या होगी। अगर मैनेजमेंट ऑफ एक्सेसरबेशंस यानी अगर बैड सीवियर कंडीशन होती है तो इसके इंडिकेशन में तो हॉस्पिटल एडमिशन और हॉस्पिटल में उसकी असेसमेंट कैसे करनी है, उसकी हिस्ट्री कैसे लेनी है पेशेंट की, सारी क्या क्या टेस्ट करने हैं वो सारा, सीओपीडी एंड कोमोबिडिटी उसके साथ क्या क्या कंडीशन हमने पढ़ा कि उसके साथ एनीमिया और डिफरेंट ऑस्टियोपोरोसिस और डिफरेंट कंडीशन हो सकती हैं, अपेंडिक्स में उसकी स्पायरोमेट्री को बताया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ कि स्पायरोमेट्री कैसे करते हैं, पेशेंट को किस कंडीशन में रखना है, एयर फ्लो लिमिटेशन सीओपीडी उसको उसकी स्पायरोमेट्री से जो वॉल्यूम है एयर का वो कैसे फाइंड करना है, एफईवी और एफवीए जो भी वॉल्यूम्स होते हैं उसमें फाइंड किए जाते हैं वो। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बताई हुई, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन बताया हुआ कि ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी इज नाउ एम्ड इमीडिएटली रिलीविंग द रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ सिस्टम। सीओपीडी एक प्रोग्रेसिव कंडीशन, हम इसको फुली ट्रीट नहीं कर सकते बट इस इमीडिएटली रिलीव उसको सिम्टम को हम रिड्यूस कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि हम इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं एज वेल एज रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर एडवर्स इवेंट, और फ्यूचर में इसका जो है वो सिवियर इफेक्ट ना हो उसको भी हम रोक सकते हैं। आगे आ जाती है इसकी आगे आ जाते हैं इसके की पॉइंट्स, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के बाद इसकी कुछ की पॉइंट्स, आई थिंक ये फाइल थोड़ी करप्ट हो गई है। तो ये इसके सारे ये सारे इसके की पॉइंट्स हैं सीओपीडी, इस गोल्ड सीओपीडी गाइडलाइन के। इन्होंने बताया सबसे पहले कि क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज सीओपीडी होती क्या है, इज अ कॉमन प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल डिजीज, इज करेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन दैट इज यूजुअली प्रोग्रेसिव एंड एसोसिएट विद एन इनहांस क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इन द एयर वे एंड इन द लंग्स टू नॉक्शियस पार्टिकल एंड गैसेज, एक्सर्बेशन एंड कोमोबिडिटी कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल सिवियरिटी इन इंडिविजुअल पेशेंट्स। देन नेक्स्ट की पॉइंट में उन्होंने बताया रिस्क फैक्टर क्या है। वर्ल्ड वाइड द मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर रिस्क फैक्टर ऑफ सीओपीडी इज टोबैको स्मोकिंग, अदर टाइप्स आर लाइक पाइप, सिगार, वाटर पाइप एंड मार्जुराना, मैरिजुआना आर द रिस्क फैक्टर ऑफ सीओपीडी इन मेनी कंट्रीज, आउटडोर ऑक्यूपेशनल एंड इनडोर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन द लेटर रिजल्टिंग फ्रॉम द बर्निंग बायोमैस ऑफ द फ्यूल, जो कि स्मोक उठती है जब हम कुछ जलाते हैं, एंड ऑल्सो मेजर कॉज ऑफ द सीओपीडी। क्लिनिकल डायग्नोसिस कैसे करनी है, सीओपीडी शुड बी कंसिडर्ड इन मेनी पेशेंट हु हैड डिस्पिनिया, क्रॉनिक कफ और स्पूटम प्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर ऑफ हाई रिस्क ऑफ डिजीज,
रिस्क फैक्टर डिजीज, जिनके अंदर रिस्क फैक्टर ऑफ द डिजीज है, पैरामीटर इज रिक्वायर्ड टू मेक डायग्नोसिस फॉर द क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट। असेसमेंट कैसे करनी है ऑफ सीओपीडी बेस्ड ऑन द पेशेंट सिम्टम्स, रिस्क एक्सेसर्वेशन एंड सेवेरिटी ऑफ द स्पायरोमेट्रिक एबनॉर्मेलिटी एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमोर्बिडिटीज। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी क्या है? एप्रोप्रिएट फार्माकोलॉजिकल थेरेपी कैन रिड्यूस सीओपीडी सिम्टम्स, रिड्यूस दिस फ्रीक्वेंसी सेवेरिटी एंड एक्सेसर्वेशन एंड इंप्रूव हेल्थ स्टेटस एंड एक्सरसाइज टॉलरेंस। ऑल सीओपीडी पेशेंट विद ब्रेथ lessness when walking at their own pace on level or ground appear to benefit from rehabilitation and maintenance of physical activity. अब इसकी rehabilitation बताइए क्यों? थोड़ा थोड़ा वो चलने की कोशिश करें। And exacerbation of COPD, COPD का a severe attack होता है, it's an acute event characterized by a worsening of the patient respiratory symptom that is beyond normal day-to-day variation and need change इन मेडिकेशन, यानी अचानक पेशेंट की कंडीशन बहुत सीवियर हो जाती है सीओपीडी में। सीओपीडी कैन एक्सिस्ट विद अदर डिसऑर्डर्स लाइक हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द प्रोग्नोसिस। तो यहाँ पे इसकी गाइडलाइंस थी, कुछ इसके मेजर पॉइंट्स है। अब हम आपको वापस लेकर जाते हैं। सेकेंड जो गाइडलाइन है वो यूरोपियन थोरेसिक सोसाइटी गाइडलाइन है, और जो थर्ड है वो अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी गाइडलाइन है। अब इन्हीं गाइडलाइंस के मुताबिक कुछ क्लासिफिकेशन दी हुई है, वो मैं आपको अब एक्सप्लेन करती हूँ। के बेस्ड ऑन दी डिग्री ऑफ द एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, कितनी एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हुई है और कितनी एफ ई वी वन होता है, फॉर फुल एक्सपायरेशन वॉल्यूम वन, बेस्ड ऑन द स्पायरोमेट्रिक मेजरमेंट सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन। स्टेज वन में है जो है वो माइल्ड एफ ई वी और एफ सी वी की जो रेशियो है वो लेस देन अगर आपकी है 0.70 तो ये एक नॉर्मल रेंज है। सो एफ ई वी वन अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है तो ये प्रोडक्ट करता है कि ये स्टेज वन है, माइल्ड सीओपीडी कंडीशन है, इट डोंट नीड एनी मेडिकेशन, बट आप उसमें इसको फ्लू वैक्सीनेशन करवा दें। स्टेज टू में मॉडरेट है एफ ई वी वन एफ ओवर एफ वी सी, इसमें जो रेंज दी है वो ये है कि 50% उसका एफ ई वी और 50 से 80 के दरमियान होना चाहिए। स्टेज थ्री में कहते हैं कि 30 से 50 के दरमियान होना चाहिए, और स्टेज फोर में कहते हैं कि वो इवन लेस देन 30 हो या इवन लेस देन 40% हो तो वो स्टेज फोर है, और वो बहुत सीवियर कंडीशन है, प्रेडिक्टेड प्लस क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर, इसमें क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। ये कुछ बी ओ डी डी ई स्कोर है जो पॉइंट बताते हैं कि पेशेंट की क्या सिवेरिटी ऑफ द डिजीज है। एफ वी प्रिडिक्टेड करते हैं उसके 0 पॉइंट होगा, अगर एफ वी 65% से ग्रेटर आया या इक्वल टू 65 है तो उसको 0 पॉइंट है, अगर 50 से 64 के दरमियान है तो 1 पॉइंट। इसी तरह डिस्टेंट वॉक आई एस डब्ल्यू टी मीटर्स है, बट उसकी भी रेंजेस दी हुई है। एम आर सिडिस्पेनिया, अगर कोई इतना वॉक कर सकता है तो उसको उसके 2 पॉइंट्स होंगे, इतना तो उसके 3 पॉइंट्स होंगे। बीएमआई उसका देखने के, वो ओवरवेट है तो उसको सीओपीडी के चांसेस ज्यादा होंगे, लाइक दिस। इसके सारे ये पॉइंट्स हैं। सो मेजरमेंट ऑफ दी 25 ओएचडी आर सीओपीडी के 25 पॉइंट्स उन्होंने काउंट करने हैं इस टेस्ट के थ्रू, और ये बताया होगा अगर उसके पॉइंट इस टेस्ट के थ्रू ये जो आ रहे हैं ये 0, 1, 2, 3, अगर उसके पॉइंट जो है तकरीबन 4 साल सर्वाइवल बेस के ऊपर अगर बीओडी पॉइंट उसके 0 से 2 के दरमियान होते हैं तो 80% उसका चांसेस है कि वो माइल्ड पे है, और अगर 3 से 4 है तो वो 70 पे है, यानी वो मॉडरेट पे है, और अगर वो 5 से 6 पे है तो 60% है, यानी वो मॉडरेट और सिवियर के दरमियान है, और अगर उसके 0.7 से 10 के दरमियान है तो वो सिवियर सीओपीडी का है। आगे है रिस्क फैक्टर जो कि इसको इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। रिस्क फैक्टर में आ जाती है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, आपके फैमिली हिस्ट्री है, आपके इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट, आपके रिस्क रिपीटेड इन्फेक्शन क्या है, फिर आप टोबैको स्मोक करते हो, यानी टिपिकल स्मोकर्स जो होते हैं ना वो मोस्टली उनके अंदर तकरीबन 20 साल तक, लाइक अबाउट फर्स्ट 2 डिकेड्स तक उनके अंदर सीओपीडी होता है, बट वो एसिम्टोमेटिक होता है, माइल्ड मॉडरेट, और फिर जब वो सिवियर केस तक कर जाते हैं तब उनकी क्लिनिकल डायग्नोसिस हो पाती है, मोस्टली जब वो पेशेंट्स जो है वो हॉस्पिटल विजिट नहीं करते। बट मोर फ्रिक्वेंटली वायरल एंड बैक्टीरियल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। कॉसेस ऑफ द डिजीज क्या है? स्पैनिंग फॉर 20 से 40 ईयर्स तक सीओपीडी के साथ पेशेंट अगर रहे तो वो अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करके अपनी फार्माकोथेरेपी यूज करके 20 से 40 साल तक जिंदा रह सकता है, बल्कि इससे ज्यादा भी जिंदा रह सकता है। क्लिनिकल सिम्टम्स अपीयर फर्स्ट सिग्निफिकेंट रिवर्सिबल एंड लंग चेन डैमेज। क्लिनिकल मेजर सिम्टम्स क्या है? उसके अंदर पहले माइल्ड डिस्पेनिया और ऑन एक्सर्शन होगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज करेगा तो उसको डिस्पेनिया होगा, उसका सांस फूलेगा, मॉर्निंग कफ होगी उसको, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड चेस्ट रेडियोग्राम हम चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, उसमें भी अनरिमार्केबल इन्फेक्शन पॉइंट आएंगे, स्पूटम प्रोडक्शन होगी, एयर फ्लो लिमिटेशन होगी, स्ट्रक्चरल डैमेज होगा उसका उसकी लंग्स में, एल्वियोलर हाइपोक्सिया होगा उसको, पर्मनरी हाइपरटेंशन, एक्यूट एंड क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है उसका सीवियर केस में जाकर, ओवर
सिडेशन एंड हार्ट फेलियर हो सकता है. मैनेजमेंट हम इसे कैसे करेंगे, मैनेजमेंट करके कुछ पॉइंट्स हैं. गोल थेरेपी, ये गोल ऑफ द ट्रीटमेंट ये होगी कि प्रिवेंट और कंट्रोल सिम्टम्स, उसको अटैक से बचाना है सीओपीडी के, रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी एंड सेवियरिटी ऑफ एक्सेसरबेशन, एक्सेसरबेशन के अटैक्स से उसको बचाना है, इंप्रूव बोथ हेल्थ स्टेटस एंड एक्सरसाइज बैलेंस करना, उसकी हेल्थ स्टेटस भी अच्छा करना है, उसकी मेंटली भी उसको स्ट्रॉन्ग करना है. और इंटरवेंशन में हमने देखना है कि अगर वो स्मोकर है तो उसको स्मोक छुड़वानी है, स्मोक सेंसेशन का भी यहाँ पे पूरा एक तरीका बताया होगा. ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, वो हम देंगे लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन ट्रीटमेंट ट्रायल, स्पेशली रात को, क्योंकि रात को अटैक ज्यादा होगा. LOTT, इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन ट्रीटमेंट थेरेपी, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन ट्रीटमेंट थेरेपी लॉट. लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी करेंगे हम, उसमें उसको हम LVRS कहते हैं, LVRS सर्जरी करते हैं जब सिवियर कंडीशन में उसका लंग का मेजर पार्ट डैमेज हो चुका होता है ड्यू टू इन्फेक्शन या रिकरेंट इन्फेक्शन. फिर इम्यूनाइजेशन करेंगे फ्लू वैक्सीन से. फार्मासिस्ट के क्या क्या काउंसलिंग पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सबके लिए. सबसे पहले तो वो काउंसिल करेगा उसको अपने सोशियो इकोनॉमिक टर्म से करेगा, अगर वो स्मोकिंग करता है या अगर वो कोई और सिगरेट सिगार या फिर मारिजुआना यूज करता है तो वो उसको छुड़वाएगा. पेशेंट एजुकेशन करेगा कि आपकी कंडीशन किस वजह से है, आपको क्या क्या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करनी चाहिए. डाइटरी काउंसलिंग, आप कौन सी ऐसे डाइटरी फूड यूज करेंगे, आप एंटीऑक्सीडेंट यूज करें जिससे आपकी डिजीज ट्रीट हो सकती है या आपको हेल्पफुल हो सकती है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगी. एयरवे क्लियरेंस टेक्निक फॉर द पेशेंट विद क्रोनिक स्पूटम प्रोडक्शन, एलिवेशन ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द एंग्जाइटी. पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन कैसे करनी है, एक्सरसाइज बेस्ड प्रोग्राम एम टू मैक्सिमाइज द पेशेंट फंक्शनल स्टेटस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंप्रूव एक्सरसाइज टॉलरेंस एंड एलिवेशन ऑफ डिस्पिनिया. मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोग्राम, टिपिकली हमने पेशेंट को कहना है कि आपने 6 से 12 वीक तक एक्सरसाइज करनी है, और डेली नहीं करनी बल्कि आपने 1 वीक में 2 से 3 सेशंस में आपने एक्सरसाइज करनी है. फिर आगे आ जाता है स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम, ये बहुत जरूरी है क्योंकि स्मोकर्स को, क्रॉनिक स्मोकर्स को तो ये सीओपीडी होती ही होती है, क्रॉनिक कफ उनको रहती ही रहती है. तो इसमें एक स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम है जो हम फॉलो करेंगे फॉर डैट पेशेंट्स, तो उनको भी हम एक प्रॉपर अल्टरनेट प्रोवाइड करेंगे ताकि उनकी विद्रॉल इफेक्ट्स ना आए. तो सबसे पहले हमने पेशेंट को जो हमने बताया कि फार्मासिस्ट का रोल है या फिर साइकोलॉजिस्ट का रोल है, कि वो पेशेंट को पूछे, आस्क, एडवाइस, असेस, असिस्ट एंड अरेंज. ये 5 A's हैं, आस्क, एडवाइस, असेस, असिस्ट एंड अरेंज. आस्क, एडवाइस, असिस्ट एंड आस्क में हम क्या करते हैं, यूज सिस्टमिक अप्रोच टू आइडेंटिफाई ऑल टोबैको यूजर्स. आपने पेशेंट आपके पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या फिर किसी भी सीओपीडी के सिम्टम के साथ आया, आपने पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है कि वो जो पेशेंट है वो टोबैको स्मोकर है या नहीं. फिर आपने क्या करना है, एडवाइस करना पेशेंट को और उसको फोर्स करना है कि वो टोबैको छोड़ दे. फिर आपने क्या करना है, डिटरमाइन द विलिंगनेस ऑफ सेसेशन अटेम्प्ट. आपने पेशेंट को चेक करना है कि वो स्मोकिंग छोड़ने के लिए कितना इकराजी है. फिर आपने आखिर में क्या करना है, आपने पेशेंट को असिस्ट करना है कि वो स्मोकिंग छोड़ दे. जो भी उसको आप मेडिकेशन देंगे अल्टरनेट, ताकि उसको विड्रॉल इफेक्ट ना आए, उसको क्रेविंग ना हो स्मोक करने की, बाबा वो वेप यूज करे या वो निकोटिन पैचेस यूज करे या वो निकोटिन गम यूज करे, नेजल स्प्रे या वो कोई अल्टरनेट ड्रग जैसे जो उसका सेम इफेक्ट देता है, जैसे बीप्रोपायोन यूज करे या फिर वेरिन सिलिन यूज करे. और फिर आपने पेशेंट को अरेंज करना है शेड्यूल फॉलोअप में, उसको आपने बुलाना है कि वो स्मोकिंग कहीं दोबारा स्टार्ट ना करते. सो स्मोक फर्स्ट लाइन फार्मास्यूटिकल थेरेपीज फॉर द स्मोकिंग सेसेशन है. सबसे पहले ये डिफरेंट एजेंट्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट डोजेज फॉर्म में. आप पेशेंट को कोई भी डोजेज फॉर्म दे सकते हो, उस पर उसको राजी कर सकते हो, जो जो उसकी जो उसके लिए ईज है. सबसे पहले ब्यूप्रोपायोन SR 150 mg डेली देंगे ओरली, 3 दिन तक पहले देंगे 150 mg और एक एक डोज, और देन हम उसको आगे जो है वो ट्वाइस टू जो होगा डेली डोज देंगे, 2 बार देंगे 150 mg की. तो ये ड्यूरेशन होगी इसकी 15 वीक से 6 महीने तक, यानी 3 से 6 महीने तक रहेगा. और इसके जो मेजर साइड इफेक्ट्स होंगे उसमें हो जाएगा स्मोक कॉमन कंप्लेंट्स में इंसोमिया एंड ड्राई कफ आ जाएगा. फिर निकोटिन गम, हम जैसे बबल गम यूज करते हैं वैसे 2 to 4 mg ऑफ द गम PRN होता है उसके अंदर, जब भी उसको रिक्वायर्ड हो, PRN होता है व्हेन नीडेड. सो अप टू 5 पीसेस डेली वो यूज कर सकता है जब भी उसको जरूरत हो, यानी वो निकोटीन की जब उसको जरूरत पड़े, जब उसको क्रेविंग हो सिगरेट की, PRN, तब वो ले टोबैको निकोटीन गम. और
वो मैक्सिमम 24 बबल गम्स खा सकता है, 24 बबल गम्स से वो ज्यादा नहीं खाएगा वरना वो टॉक्सिसिटी की तरफ जा सकता है, क्योंकि एक गम में 2 to 5 मिलीग्राम ऑफ द निकोटिन होता है। तो ये वो काम कर सकता है 12 वीक्स तक एज अल्टरनेट, फिर उसकी स्मोकिंग की जो आदत है वो छूट जाएगी। इसके साइड इफेक्ट्स क्या है कि वो सोर्स मोड और डिस्पेप्सिया की तरफ जा सकता है। निकोटिन इनहेलर 6 to 12 कार्टी एजेज वो डेली यूज कर सकता है आपको 6 मंथ के लिए। सोर थ्रोट एंड थ्रोट एंड सोर माउथ एंड थ्रोट सेम इफेक्ट। निकोटीन नेजल स्प्रे 80 to 40 डोजेस डेली नेजल स्प्रे में वो 3 to 6 मंथ के लिए यूज करता है, नेजल इरिटेशन करवाएगा। निकोटीन पार्टिकल्स पैचेस यूज कर सकता है, वो पैचेस हम लगाते हैं, ये डर्मल पैचेस होते हैं वेरियस 5 7 to 5 mg एवरी 24 वीक्स, उसको एवरी एवरी 24 जो है ना 24 days उसको जाने 24 hours उसको जाने चाहिए, यानी पूरे पूरे 24 घंटों में इसको 7 से 21 mg थ्रू पैचेस जाएंगे अप टू 8 वीक्स तक ये जाता है, यानी 2 महीने तक तकरीबन। एंड स्किन रिएक्शन और सोमिया ये करवा सकते हैं। थर्ड जो ड्रग है वो है वेरिनी स्लीन 0.5 mg डेली फॉर 3 days एंड, या फिर हम 0.5 mg ट्वाइस डेली फॉर 4 days एंड देन 1 mg ट्वाइस डेली, यानी पहले हम यूज करेंगे उसको 0.5 mg देंगे, फिर हम 0.5 mg उसको 2 बार देंगे 4 दिन, फिर आगे डेली हम उसको 1 mg देंगे। 12 वीक्स तक इसका नोजिया और स्लीप इसका साइड इफेक्ट है। आगे आ जाता है इंपॉर्टेंटली इसके फार्माकोथेरेपी क्या क्या होगी। फार्माकोथेरेपी इसकी बहुत इंडिविजुअलाइज हम यूज करते हैं, हर पेशेंट में सेम ड्रग यूज नहीं करते। फार्माकोथेरेपी शुड बी इंडिविजुअलाइज फॉर ईच पेशेंट, फोकस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द सिम्टम्स एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, QOL हमने इम्प्रूव करना है। गोल्स मस्ट बी डिफाइंड फॉर ईच पेशेंट बिफोर थेरेपी इज इनिशिएटेड। हर पर्सन का अलग अलग फैक्टर होगा तो हमने पहले ही गोल सेट कर लेना है। पेशेंट विल इवेंचुअली रिक्वायर डेली मेंटेनेंस थेरेपी फॉर सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इंटर इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी इन मेडिसिन, मेडिकेशन रिस्पॉन्स इज एक्सपेक्टेड। स्टैंडर्ड फॉर असेसिंग बेनिफिट फॉर ट्रीटमेंट हैज बीन मेयर स्पायरोमेट्रिक इंप्रूवमेंट इन द एफईवी। अदर मेयर टू डिटरमाइन द बेनिफिट ऑफ द थेरेपी इंक्लूड मेयरमेंट ऑफ इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिस्पिनिया, एक्सरसाइज एंड टॉलरेंस। यूज ऑफ द मल्टीपल आउटकम्स मेयर बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव गाइडलाइंस टू थेरेपेटिक डिस्कशन में। ड्रग यूज करते हैं हम इसमें ब्रोंकोडायलेटर, साबा शॉर्ट एक्टिंग बीटा बीटागोनिस्ट एंड लाबा लॉन्ग एक्टिंग बीटागोनिस्ट। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज करते हैं, सिस्टेमिक भी और इनहेलर्स भी यूज करते हैं। एंटीकोलिनर्जिक में इप्रोट्रोपियम एंड ट्रायोट्रोपियम इज प्राइमरी शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक, और लॉन्ग टर्म एक्टिंग में ट्रायोट्रोपियम है। शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक में इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड है। आगे आ जाती है इसकी डिफरेंट स्टेजेस के बेस पे हमने इसके फार्माकोथेरेपी डिवाइड किया है। अगर पेशेंट स्टेज 1 पे है तब उसको हम कौन सी ट्रीटमेंट गाइडलाइन देंगे, स्टेज 2 पे है, स्टेज 3 पे है, इस लिहाज से इसके जो मेडिकेशन ऑर्डर है वो भी डिफरेंट है। सो ये हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ दिस डिजीज सिवियर, जितनी डिजीज सिवियर होगी उतनी हम मल्टीपल ड्रग्स यूज करेंगे। सो यहाँ पर आ जाती है इसकी सारी गाइडलाइंस फॉर दी अक्यूट एग्जेसरवेशंस ऑफ द COPD। पेशेंट को बस थोड़े दिन के लिए अक्यूटली हुआ है ये, उसको ये कोई क्रॉनिक कंडीशन नहीं है। सो इसकी थेरेपी क्या होगी, इसमें हम पेशेंट को देंगे इसमें हम पेशेंट को देंगे सिवियर एक्सेसरवेशन उसकी होगी, सिवियर एक्सेसरवेशन कैन रिजल्ट इन रेस्पिरेटरी फेलियर एंड डेथ। थेरेपेटिक इंटरवेंशन इंक्लूड रेगुलर ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी, हम रेगुलरली इसको ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी देंगे। वो ब्रोंकोडायलेटर कोई भी ड्रग हो सकती है, वो हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से ब्रोंकोडायलेटर है, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा क्योंकि ब्रोंकोडायलेटर में कौन कौन सी ड्रग आ जाती है। ब्रोंकोडायलेटर में साबा और लामा आ जाती है। फिर है ब्रोंकोडायलेटर, फिर ब्रोंकोडायलेटर अ शॉर्ट एक्टिंग सिस्टेमिक कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी एंड एंटीबायोटिक। ब्रोंकोडायलेटर में PNR यानी वन नीड व्हेन व्हेन नीडेड, जब उसको सांस में मसला हो तब वो ब्रोंकोडायलेटर यूज करे इन द फॉर्म ऑफ मीटर डोज इनहेलर। मीटर डोज इनहेलर यूज करते हैं जिसको हम MDI करते हैं, या नेबुलाइजर कराएगा एवरी 3 to 4 आवर्स। सिस्टेमिक कोर्टिकोस्टेरॉइड हम एज अ ब्रोंकोडायलेटर यूज करेंगे इन द एक्यूट एग्जेसरवेशन ऑफ COPD में, जो कि तकरीबन 30 to 40 mg पर डे फॉर 7 to 10 डेज हम यूज कर सकते हैं। मिथाइल प्रेडनिसोलोन हम जो है वो 125 mg एवरी 6 आवर यूज कर सकते हैं। ये
अच्छा सॉरी, मुझे नहीं पता कि रिकॉर्डिंग बीच में रुक गई थी, मैं दोबारा स्टार्ट कर देती हूँ इसी फार्माकोथेरेपी से. सो फार्माकोथेरेपी हम डिवाइड करते हैं और ये हम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज. स्टेज वन है, स्टेज टू है, स्टेज थ्री है, इस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं कि हमने पेशेंट को कौन सी फार्माकोथेरेपी देनी है. सो ये डिपेंड करता है एक्यूट एग्जेसिवेशन ऑफ सीओपीडी, अगर पेशेंट को है एक्यूटली हुआ है, उसका क्रॉनिक इफेक्ट नहीं है, तो उस कंडीशन में पेशेंट सिवियर एग्जेसिवेशन की तरफ भी जा सकता है, जो कि रेस्पिरेटरी फेलियर और इवेंचुअली सांस रुकने की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है. तो इसमें हम थेरेपेटिक इंटरवेंशन करेंगे, इसमें हम उसको रेगुलर ब्रोंको डायलेटर देंगे, शॉर्ट एक्टिंग सिस्टेमिक कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे और एंटीबायोटिक देंगे. अच्छा, ब्रोंको डायलेटर देने का मकसद यह है कि जो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हुई है वो ओपन हो जाए, उसकी जो एयरवेज है वो ओपन हो जाए. अच्छा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने का भी मकसद यही है कि उसकी जो एयरवेज है उसमें डायलेशन आ जाए. एंटीबायोटिक देने का ये मकसद है कि उसके अंदर स्पूटम जो प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है उसकी वजह से वो प्रोन है टुवर्ड डिवेलपिंग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, उसको री इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसके लिए हम उसको एंटीबायोटिक भी देंगे. तो ब्रोंको डायलेटर में हम पी आर एन का मतलब होता है व्हेन इडिट व्हेन नीडेड, तो हम उसको मीटेडोज इनहेलर देंगे या फिर नेबुलाइजर देंगे एवरी 3 to 4 आवर्स. सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन द इनहेलर यूज कर सकते हैं हम, या नेबुलाइजर में वो होगा 30 to 40 mg पर डे 7 to 10 डेज के लिए. अगर हम मिथाइल प्रेडनिसोलोन दे रहे हैं तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन की डोज है 125 mg एवरी 6 आवर्स. फिर हम एंटीबायोटिक देंगे एंटीबायोटिक बेस्ड ऑन द डिस्पेनिया, स्पूटम वॉल्यूम एंड स्पूटम परोलेंस. परोलेंस होती है कि स्पूटम का कलर डिस्कलर हो रहा है, तो उसमें हम देंगे एमोक्सिसिलीन, प्राइमेथोप्रीम, सल्फामिथाजोल एंड डॉक्सीसाइक्लिन. ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को कितनी जो सिवियर है वो इन्फेक्शन हो रहा है, और या फिर उसने वो इन्फेक्शन जो है वो कहाँ से एक्वायर किया है. अगर कोई रेजिस्टेंट होगा जो कि किसी इसी एमोक्सिसिलिन या ट्राइमेथोप्रिम, सल्फामिथाजोल या डॉक्सीसाइक्लिन से ट्रीट नहीं होता, जाहिर है हम फिर हैवी एंटीबायोटिक्स देंगे. आगे आ जाता है स्टेज वन या फिर माइल्ड. स्टेज वन एंड माइल्ड के लिए स्मोकिंग सेसेशन एंड इम्यूनाइजेशन करवाएंगे. सबसे पहले उसको स्मोकिंग रुकवाएंगे. स्मोकिंग रुकवाने का क्या तरीका, वो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया कि हम क्या क्या उसके ऑल्टरनेट ड्रग देते हैं फॉर विद्रॉल इफेक्ट को रोकने के लिए, ताकि वो स्मोकिंग रोक सके. और दूसरी हम उसे करवाएंगे इम्यूनाइजेशन. इम्यूनाइजेशन क्यों करवाएंगे, क्योंकि स्पूटम प्रोडक्शन की वजह से उसको मल्टीपल रिकरेंट इन्फेक्शन होते रहेंगे, जिसकी वजह से उसको फिब्रॉइड्स बनेंगे वहां पे लंग्स के अंदर. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे हम, उसको वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा एंड निमिनोकोकल निमोनिया के अगेंस्ट हम उसको वैक्सीनाइज कर देंगे. इसका मकसद क्या होगा कि उसको बार बार इन्फेक्शन नहीं होगा. ट्रीटमेंट विद पीआरएन व्हेन नीडेड ब्रोंको डायलेटर देंगे. ब्रोंको डायलेटर में हम उसको देंगे बीटा एगोनिस्ट एंड एंटीकोलिनर्जिक, या मिथाइल जेंथीन एंड थियोफाइलिन, ये ब्रोंको डायलेटर हैं, थियोफाइलिन वगैरह जो कि कफ सिरप में होता है. फिर हम उसको देंगे एल्बुटेरोल जो कि बीटा टू एगोनिस्ट है मीटर डोज में, और उसकी डोज है 90 mcg पर इनहेलेशन. एल्बुटेरोल की अगर मीटर डोज इनहेलर है तो उसकी क्या होगी डोज, उसकी डोज होगी 90 mcg पर इनहेलेशन, यानी एक जो हम पफ लेंगे उसके अंदर 90 mcg ऑफ द ड्रग होगा. शॉर्ट एक्टिंग यानी साबा बीटा एगोनिस्ट में हम उसको एल्बिट्रोल देंगे. इनहेलेशन रूट जो होगा वो होगा ओरल थेरेपी हम नहीं देंगे. इनहेलेशन रूट जो होगा वो उसका जो लोकल इफेक्ट होगा वो ज्यादा बेहतर आएगा देन हम ओरल डोज दें. क्योंकि इसमें देखिए ना, पेशेंट को अचानक सांस का मसला हुआ, अब वो ओरली लेगा तो ओरली, अगर वो लेगा तो ओरली पहले वो दवाई लेगा, फिर उसके स्टमक में जाके वो ड्रग डिजोल्व होगी, फिर वो उसके बायोक्यूलेंट होगी, उसके ब्लड में वो ड्रग आएगी, फिर जाकर वो उसके लंग्स में इफेक्ट देगी. तो इट वुड टेक टाइम, तकरीबन ये ड्रग अपना इफेक्ट शो करने में 2 घंटे या 1 घंटा मैक्सिमम ले लेगा. और जो टॉपिकल इफेक्ट होगा इनहेलेशन अगर यूज करेंगे तो उसका इमीडिएट इफेक्ट आएगा. सो एंटीकोलिनर्जिक्स में इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड BDI देंगे 2 or 4 इनहेलेशन इन 3 to 3 TID four times a day. तो एंटीकोलिनर्जिक इप्रोट्रोपियम हम उसको दे रहे हैं अगर मीटर डोज इनहेलर में, तो वो हर बार 2 से 3 इनहेलेशन ले, और ये तकरीबन वो दिन में 3 से 4 बार करे, 3 से 4 बार, 3 से 4 बार, 2 से 4 वो पफ ले. इप्रोट्रोपियम की जो ड्रग कंसेंट्रेशन होगी इन एवरी पफ वो होगी 80 mcg. और अगर वो सोल्यूशन नेबुलाइजर सोल्यूशन यूज करते तो वो होगा 0.5 mg इप्रोट्रोपियम पर 2.5 मिलीलीटर. कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा एगोनिस्ट एंड एंटीकोलिनर्जिक्स यूज होता है इन दी स्टेज वन या फिर माइल्ड सीओपीडी में. आगे आ जाती हैं
स्टेज टू जिसको हम कहते हैं मॉडरेट सीओपीडी, इसमें हम यूज करेंगे लॉन्ग एक्टिंग साबा बीटा एगोनिस्ट ट्वाइस डेली विद सालमिट्रोल एंड फॉर्मिट्रोल। साबा की लाबा की क्या एग्जांपल है? लाबा की एग्जांपल है लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, की एग्जांपल है सालमिट्रोल एंड फॉर्मिट्रोल। शोज इम्प्रूव्ड पल्मोनरी फंक्शन, रिड्यूस डिस्पनिया, एनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ। सालमिट्रोल 42 mg या फिर 50 mg डेली हम उसको पाउडर डिवाइस देंगे, जो जो हम जिसको हम MDI कहते हैं, मीटर डोज इनहेलर ट्वाइस डेली। फॉर्मिट्रोल हम उसको 12 mg सी ट्वाइस डेली यूज करेंगे। इनहेल में हम उसको लॉन्ग एक्टिंग बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, उसको ब्रोंको डायलेशन करवाएंगे। उसके अलावा हम लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक भी यूज कर सकते हैं, जो टायरोट्रोपियम होता है। शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक क्या है, क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, शॉर्ट एक्टिंग क्या है बीटा, शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक कौन सा है और लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक कौन सा है। तो आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। मैं बताती हूँ कि लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक टायरोट्रोपियम है और शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक इप्रोट्रोपियम है। सो रिलैक्स एयरवे स्मूथ मसल्स एंड रिड्यूस म्यूकस सेक्रेशन, ये टायरोट्रोपियम करेगा। एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कैन प्रोवाइड इफेक्टिव ब्रोंको डायलेशन एंड वंस डेली डोजिंग। अच्छा आगे आ जाता है स्टेज थ्री, जो सिवियर सीओपीडी है, इसमें कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं करने हैं। और इसमें लॉन्ग एक्टिंग हम लाबा लाबा यूज करेंगे और हम इसमें लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक्स यूज करेंगे। तो इसमें हम मोस्टली कॉम्बिनेशन यूज करते हैं ऑफ लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक्स एंड अ लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट कैन इंक्रीज द लंग फंक्शन। सालमिट्रोल इनहेलेशन 50 mg एवरी 12 आवर्स और फॉर्मिट्रोल वंस इनहेलेशन 12 mcg ट्वाइस डेली। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन में हम एन एक्सरसाइज बेस्ड मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोग्राम लास्ट 8 to 12 वीक्स एंड इन्वॉल्व 2 to 3 सेशंस पर वीक। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी में हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम उसको एंट्री देंगे। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन में हम उसको एक्सरसाइज देंगे कि वो 8 से 12 वीक तक एक्सरसाइज करे और तकरीबन 2 से 3 सेशंस पर वीक करें। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी हम देंगे उसको, उसमें लो कोस एंटीबायोटिक देंगे, एमोक्सिसिलिन, ट्रायमेथोफॉर्मिन, ट्रायमेथोप्रिन, प्रिम सल्फामेथाजोल और डॉक्सीसाइक्लिन, किनोलोन एंटीबायोटिक्स जिसमें सिप्रोफ्लोक्सिसिन, लिवोफ्लोक्सिसिन एंड सेकंड थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन्स आ जाते हैं। ओरल सिप्रोफ्लोक्सिसिन 750 mg BID एंड ओरल लिवोफ्लोक्सिसिन 750 mg एवरी डे फॉर 7 to 14 डेज का इसका कोर्स होगा। कोर्स ऑफ सिस्टेमिक कोटिक्स, ये नहीं आपने एंटीबायोटिक इस तरह नहीं यूज करनी कि मैंने 1-2 दिन के लिए खाई और देन उसका इफेक्ट मुझे आ गया, मेरी रेस्पिरेटरी जो फीवर था जो भी है वो। हाँ तो अगर आपको एंटी माइक्रोबियल थेरेपी यूज कर रहे हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए, जो लो कोस्ट एंटीबायोटिक हैं एमोक्सिसिलिन है, ट्राइमेथफॉर्मिन है, सल्फामिथाजोल और डॉक्सीसाइक्लिन, क्विनोलोन एंटीबायोटिक और सेकंड जनरेशन सेफालोस्पोरिन जिसके अंदर क्विनोलोन में सिप्रोफ्लोक्सिसिन एंड लिवोफ्लोक्सिसिन आ जाती है, जिसमें ओरल सिप्रोफ्लोक्सिसिन 750 mg BD यानी ट्वाइस अ डे, या ओरल लिवोफ्लॉक्सिसिन हम यूज करेंगे 750 mg एवरी डे। तो वो होगा 750 mg पर डेली। सो कोर्स ऑफ सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड 30 to 40 mg प्रेडनिसोन डेली 7 to 8 डेज। अच्छा इसमें एंटी माइक्रोबियल थेरेपी में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज अ फार्मासिस्ट हमें आपको एजुकेट करना चाहिए जो भी हमारी ऑडियंस है उनको, कि जब आप एंटीबायोटिक कोर्स कंप्लीट करते हैं जब आप लाते हैं तो जरूरी यहाँ पे लिखा हुआ है ना सिफाप्रोक्सिन आपने 7 mg 2 times a day खानी है 7 से 10 दिन के लिए, 7 से 14 दिन के लिए। तो जरूरी है आप 7 से 14 दिन उसको जरूर खाएं। अगर आप 2 दिन यूज करके और आपको उसका इफेक्ट आ जाता है और आपका बुखार खत्म हो जाता है उसके बाद आप छोड़ देते हो, तो ये आपको ज्यादा डेंजरस, आपको ज्यादा डेंजरस की तरफ लेके जाएगी, ज्यादा डेंजर की तरफ लेके जाएगी। क्या आपकी, आप जब नेक्स्ट टाइम वो एंटीबायोटिक लेंगे तो उसमें आपकी रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी होगी और वो एंटीबायोटिक आपको इफेक्ट नहीं देगी उसी डोज पर, बल्कि आपको ज्यादा डोज यूज करनी पड़ेगी या फिर आपको हैवी एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। और जितना आप हैवी एंटीबायोटिक यूज करेंगे उतना आप उसका साइड इफेक्ट चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा आगे यहाँ पर आ जाती है स्टेज 4, वेरी सीवियर सीओपीडी। इस कंडीशन में हम क्या क्या यूज करेंगे, इसमें हम उसको ऑक्सीजन भी देंगे, उसमें सर्जरी भी करेंगे। तो
अच्छा हम स्टेज फोर या फिर वेरी सीवियर सीओपीडी देख रहे थे कि इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम इसमें यूज करेंगे. इसके अंदर हम ना इसके अंदर हम सर्जरी भी कर सकते हैं सीवियर कंडीशन में. इसमें हम ऑक्सीजन थेरेपी भी देंगे, इसमें पेशेंट को हम मल्टीपल ड्रग्स भी देंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देंगे, मीटर डोज इनहेलर हम देंगे, रेगुलर यूज ऑफ इनहेलर, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैन डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्यूट एक्सेसरबेशन. अगर वो अगर उसको सांस कम से नहीं भी हो रहा तभी वो रेगुलरली अगर वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के मीटर डोज इनहेलर के पास लेता रहे तो उसके अंदर जो एक्यूट एक्सेसरबेशन होगी वो नहीं होगी, वो नॉर्मल कंडीशन में रहेगा. उसके अलावा फ्लूटी कसोन एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है. उसकी 500 mg BID वो यूज करेगा, BID यानी 2 times a day 4 to 6 weeks तक. तो वो है टोर्च स्टडी, उसके ऊपर चल रही है, इनहेल ट्रायोट्रोपियम एंड कोमोबिड कॉर्टिकोस्टेरॉइड लॉन्ग एक्टिंग. हम यहाँ पे टायरोट्रोपियम यूज करेंगे जो लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक है, और यहाँ पे हम लॉन्ग एक्टिंग बीटागोनिस्ट यूज करेंगे एज अ थेरेपी फॉर द पेशेंट. उसके अलावा हम ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, स्पेशली नॉक्टर्नल ऑक्सीजन ट्रीटमेंट ट्रायल देंगे, क्योंकि रात को जो सांस का मसला है वो ज्यादा होगा पेशेंट को. द ग्रेटर सर्वाइवल एंड इम्प्रूव. अच्छा यहाँ पे उसकी थेरेपी उसकी जो कंडीशन है उसके मुताबिक है. ये स्टेज वन में, स्टेज टू है माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर एंड वेरी सिवियर. तो माइल्ड में हम क्या करेंगे, उसको हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन दे देंगे, और हम उसको क्या देंगे, उसको हम आ, 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 देंगे शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंको डायलेटर देंगे. फिर स्टेज जब उसको मॉडरेट होगी तो ये हम शॉर्ट एक्टिंग सब में यूज कर सकते हैं, सीवियर से लेकर माइल्ड तक. ये यहाँ पे ये ग्रीन साइन यही शो कर रहा है. फिर आ जाता है स्टेज टू मॉडरेट. इसमें हम ऐड रेगुलर ट्रीटमेंट ऑफ वंस और मोर लॉन्ग एक्टिंग, इसमें हम लाब ऐड कर देंगे, और परमानेंट रिहैबिलिटेशन इसमें ऐड कर देंगे, यानी पेशेंट को हम एक्सरसाइज का और डिफरेंट वो हम कहेंगे कि 6 से 14 वीक तक, 6 या 6 से 12 वीक तक वो एक्सरसाइज करें. क्या क्या टाइमिंग कंसल्टेशन थी, लेट मी सी. हम पेशेंट को कहेंगे कि वो 8 से 12 वीक तक एक्सरसाइज करे, मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोग्राम करें, और ये सेशन वो 2 to 3 times a week करें. या फिर था आगे था कि पेशेंट, फिर हमने स्टेज थ्री सीवियर और वेरी सीवियर में हमने इनहेल ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड उसको देने लग जाने हैं, और स्टेज फोर में हम उसको ऐड लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन ऑक्सीजन थेरेपी और ऑन ऑफ क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर एंड कंसीडर सर्जिकल इंटरवेंशन. जो मैंने कहा था कि हम उसका सर्जरी के थ्रू वो पार्ट कट रिमूव भी कर सकते हैं. अच्छा करेक्टरिस्टिक्स जो है एफईवी के, और इसके आगे ज्यादा ट्रीटमेंट बताया हुआ है. एफईवी और रेशियो एफवीसी लेस देन 70%, FEV1 जो है वो 80% होगा, माइल्ड और विदाउट सिम्टम्स होगा. अच्छा मॉडरेट में हो जाता है एफईवी एफवीसी 70% होगा उसका, और 50% एफईवी से 51 से ज्यादा होगा, और 80 से कम होगा, विद और विद नो सिम्टम्स होंगे. स्टेज थ्री में उसका जो FEV1 होगा वो 30 से भी ज्यादा होगा और 50 से भी ज्यादा होगा, 50 से कम होगा और 30 से ज्यादा होगा, यानी उसकी 30 से 50 के दरमियान होगा. ये विद और विदाउट सिम्टम्स भी हो सकता है, जबकि जो वेरी सिवियर होगा वो हमेशा लेस देन 30 होगा, और ये क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर और इसमें सिम्टम्स शो होंगे ही होंगे, और इसमें हार्ट फेलियर भी हो सकता है, राइट हार्ट फेलियर. सो अवॉइड रिस्क फैक्टर लाइक उसमें हम स्टेज माइल्ड से ही हम क्या करेंगे, उसको री इन्फेक्शन ना हो हम उसको इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन या न्यूमिनोकोकल वैक्सीन दे देंगे. इन्फ्लुएंजा फॉर वायरल, न्यूमिनोकोकल फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा. शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंको डायलेटर दे देंगे, वो हमारे पास लाबा भी हो सकता है, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड भी हो सकता है. और स्टेज थ्री पे हम आकर उसको क्या देंगे, हम उसकी एड रेगुलर ट्रीटमेंट विद वन और मोर लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंको डायलेटर एंड लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक्स, और एड रिहैबिलिटेशन ऐड कर देंगे. और फोर में, थ्री में हम आकर क्या करेंगे, सीवियर और वेरी सीवियर में एड इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इफ रिपीटेड एक्सेसरबेशन, और स्टेज फोर में क्या करेंगे, एड लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन इफ क्रॉनिक रिस्पायरेटरी फेलियर कंसिडर एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट. तो यहाँ पर हमारा COPD कंप्लीट होता है. मैंने आपको इसकी गाइडलाइन भी बताई, इसका जो इसकी ग्लोबल इनिशिएटिव क्रॉनिक गाइडलाइन है वो भी मैंने आपको सारी डिटेल में बताई कि उसकी क्या क्या की पॉइंट्स हैं, और COPD भी हमने सारा डिटेल में उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एवरीथिंग इज इन डिटेल हमने पढ़ी. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी. आप काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने कोई सवाल पूछना है या फिर कोई रिक्वेस्ट है किसी क्लिनिकल टॉपिक पर मैं या फिर किसी गाइडलाइन को मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मुझे बता सकते हैं. मैं हर कमेंट का रिप्लाई उसको उस पर रिएक्ट करने की कोशिश करूंगी. उसके अलावा
इसी वीडियो को अपने जो बाकी क्लिनिशियन है, जो बाकी मेडिकल लोग हैं, उनको शेयर करें, और इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब। इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल पर डालती रहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सो हियर द लेक्चर एंड्स।